बड़ा मेहरबानी उसकी प्रैक्टिस कर लें, जल्द से जल्द। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप एग्ज़ाम में करने के काबिल नहीं होंगे। मिड टर्म का पेपर मैंने बना दिया है और उसमें पार्टनरशिप और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मैंने पहले ही कह दिया था कि रोज़ाना एक सवाल करना है, मैंने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी डाल दिया है, तो लिहाजा आप इसको ज़रा सीरियस ले लें, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी छोटे छोटे चैप्टर कवर करने हैं। अब मुझे जो सलामुअलैकुम सर वो कराना है, अब हमारे पास जो बचा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो बचा है रेशो, रेशो का चैप्टर बचा है और डेप्रिसिएशन, कंट्रोल अकाउंट हो गया था, सस्पेंस हो गया है और बैड डेट्स, और बैंक रिकंसीलिएशन। और इन्वेंट्री वालेकुम अस्सलाम नूरुल अमीन। ये हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो हैं वो रह गए हैं और मैं इसमें हूँ कि मुश्किल मुश्किल चैप्टर, बड़े चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है कंपनी इशू ऑफ शेयर्स, सर ये बैड डेट हो नहीं गया था? ये जो चैप्टर हैं ये आपको पढ़ना है अब। अब इसके अंदर हम जो शुरू करेंगे इस महीने के जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, मैं ही समझता हूँ कि इसमें हमारे पास जो चैप्टर हमें पढ़ लेना चाहिए वो है डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और आपका बैड डेट्स भी ख़त्म हो जाएगा। ये तीन चैप्टर तो कम से कम हमें पढ़ लेने चाहिए ताकि फिर हमारे पास आखिरी डेढ़ दो महीने जो बचे हैं उसके अंदर हम कॉस्टिंग को पूरा प्रॉपर पढ़ सकें। तो अभी हम डेप्रिसिएशन शुरू करा सकते हैं और इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो मेरे ख्याल में डेप्रिसिएशन शुरू कर लेते हैं। स्क्रीन शेयरिंग आ रही है फिर? आ रही, चलो कुछ स्टूडेंट बढ़े तो सही। जी सर आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अब हम शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री ये पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद रेशियो बैड डेट्स वगैरह की बारी आएगी। बस ये याद रखना कि कोशिश होगी कि यार ये जो एक महीना है कम से कम ये हमारा है विंटर वेकेशन से पहले, हम डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री कम से कम पहले पढ़ लें। तो डेप्रिसिएशन शुरू कराते हैं। अब जो स्टूडेंट नहीं है वो क्या कर सकते हैं, उनका अल्लाह मालिक है उनका। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल नॉन करंट एसेट्स एक्सेप्ट लैंड, लैंड के अलावा आप तमाम नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट को एलोकेट कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इन सेवरल ईयर्स, जो आप एस्टिमेट करते हैं कि वो इतनी लाइफ चलेगा। तो डेप्रिसिएशन का मतलब ये हुआ कि आपने एलोकेट करनी है
एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स, या इसको ये भी कह सकते हैं रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ ऑल नॉन करंट एसेट्स एक्सेप्ट लैंड. सर डेप्रिसिएशन की हेडिंग के बाद कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा. अच्छा एक मिनट रुक जाओ. रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ ऑल नॉन करंट एसेट्स एक्सेप्ट लैंड इन ईयरली बेसिस. ईयरली बेसिस पर जो आप एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स या फिर रिड्यूसिंग वैल्यू, तो उसके मुख्तलिफ मेथड होते हैं कि आप डेप्रिसिएशन क्या है. एक एक्सपेंस का नाम है जो एस्टिमेटेड होता है. तो जब डेप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसके अंदर हम रिकॉर्ड क्यों करते हैं, ताकि हमारे जो फिक्स एसेट्स हैं यानी कि जो हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं उसकी जो कॉस्ट है वो एलोकेट हो जाए और वो उसको हम एक्सपेंसेस के तौर पर इनकम स्टेटमेंट में डाल सकें. क्योंकि एक जब वो 10 साल बाद ख़राब हो जाएगी तो उसका पूरी कॉस्ट को हम कहाँ एलोकेट करेंगे. इसलिए डेप्रिसिएशन का मेथड चार्ज किया जाता है. तो डेप्रिसिएशन में कैलकुलेट करने के लिए, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, डेप्रिसिएशन को मुख्तलिफ एसेट्स पर अप्लाई करने के लिए आप जो है वो मुख्तलिफ मेथड्स का सहारा लेते हैं. तो सबसे पहली जो चीज़ है वो डेप्रिसिएशन के चैप्टर में है. क्या पहली चीज़ आपको इस सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, सिलेबस कॉन्टेंट बता रहा हूँ कि आपको क्या पता होना चाहिए. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट. कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट मतलब बाल हर दफ़ा दिया होता है कि आपने मशीन खरीदी, आपने बिल्डिंग खरीदी, आपकी कॉस्ट जो है वो इतनी है. लेकिन कभी कभार वो आपको कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट नहीं देता. ये बहुत रेयर होता है लेकिन आपके सिलेबस में शामिल है कि आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स कैसे कैलकुलेट होती है. दूसरे नंबर पे जो आपको मालूम होना चाहिए वो है डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन चार्ज डेप्रिसिएशन चार्ज बाय वेरियस मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड और diminishing, reducing, balance method. ये दो method और इसके बाद एक तीसरा है revaluation. आपके syllabus में ये तीन method मौजूद हैं. सबसे पहले आपने इन method को depreciation charge करने के लिए पता होना चाहिए कि कैसे depreciation charge होता है cost of machine के बाद. तीसरी चीज है डिस्पोजल. डिस्पोजल का मतलब क्या है कि अगर आपने एस्टिमेट किया है कि आपकी जो मशीन है या आपका जो नॉन करंट एसेट जो भी है फर्नीचर है उसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो 10 ईयर है या 7 ईयर है या 6 ईयर है. अब वो एस्टिमेशन खराब हो गया और उससे पहले ही आपको उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नजर नहीं आ रही, तो अब आप उसके लिए क्या करते हैं, उसको आप डिस्पोज करते हैं, बेचते हैं. तो उसको क्या होता है लॉस और गेन ऑन सेल्स ऑफ नॉन करंट एसेट डिस्पोजल में. दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, ट्रेडेड इन. एक्सचेंज ऑफ नॉन करंट एसेट विद न्यू वन. ये दो केसेस आप डिस्पोजल में पढ़ते हैं. अच्छा अब इसकी रिक्वायरमेंट में आपके पास चैप्टर में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं. आपके पास ज्यादा पूछता है वो नॉन करंट एसेट अकाउंट, दूसरा पूछता है प्रोविजन
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, दूसरा है डिस्पोजल अकाउंट, ये तो रिक्वायरमेंट में आता है। एक और रिक्वायरमेंट होती है जर्नल एंट्रीज फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज, फिर आता है जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, जो भी है नाम उसका आ जाएगा। ये ज़्यादातर आपके जो सिलेबस है उसके अंदर रिक्वायरमेंट ही आती हैं, आपको उस रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें आना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली बात जो आसान है, जो क्योंकि साइंस के स्टूडेंट भी मौजूद होते हैं क्लास में, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, चलें अब कुछ स्टूडेंट तो बढ़ गए हैं, वो आपको क्या आना चाहिए, क्या आपको कॉस्ट ऑफ एसेट्स निकालना आना चाहिए, और कॉस्ट ऑफ एसेट्स के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कॉस्ट ऑफ एसेट्स के अंदर, मतलब मैंने पहले बता दूँ क्या होता है, क्योंकि ये बहुत कम आया मेरे ख्याल में आपके एस में, एक दफ़ा ये बात पूछी गई है, लेकिन क्योंकि आपको पता होना चाहिए द पार्ट ऑफ सिलेबस वो क्या है, कि मिसाल के तौर पर आपकी कॉस्ट ऑफ मशीन आपको कैलकुलेट करनी है, मशीन की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो अब आपको सवाल में कहता है कि आपने मशीन परचेज की विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ $100,000, तो आप यहाँ लिखेंगे मशीन कॉस्ट लिस्ट प्राइस $100,000। नोट डाउन करना, ये आज ही बता रहा हूँ, मैं बार बार इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बताने की। तो लिस्ट प्राइस का मतलब होता है कि टैग प्राइस, आपने मशीन कॉस्ट की जो लिस्ट प्राइस है उसके अंदर आपका ट्रेड डिस्काउंट भी शामिल था, तो ट्रेड डिस्काउंट में अगर वो कहता है कि इंक्लूडिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो हम क्या करते हैं लेस कर देते हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 100,000 का 10%, 100,000 का 10% जो आएगा वो कितना आएगा, 10,000, या देगा 90,000 इनवॉइस कॉस्ट। एक मिनट वेट करना जरा, अच्छा भाई तो अब मैं बता रहा था कि मशीन की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, अगर मशीन या कोई भी चीज़ की कॉस्ट, तो आपको वो कहेगा कि परचेज मशीन दिस डेट लिस्ट प्राइस 100,000 इंक्लूडिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो आपने 10% डिस्काउंट माइनस कर लिया, तो ये जो अमाउंट है ये मैं एक और वजह से भी बात करा रहा हूँ, सुने कभी कभार पेपर वन के अंदर मैंने MCQs देखे हैं और वो आपसे कहता है कि लिस्ट प्राइस का मतलब क्या है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट इन्वॉल्व होता है, या फिर वो आपसे पूछेगा कि इनवॉइस कॉस्ट का मतलब क्या है, तो इनवॉइस कॉस्ट होती है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वैल्यू। अब वो आपसे कहता है कि आपने जब पेमेंट की, इमीडिएट पेमेंट कर दी, तो उस पर आपको मजीद डिस्काउंट मिला जो कि कैश डिस्काउंट कहलाता है। अगर आपने कैश डिस्काउंट अवेल किया है, सपोज दैट 10% आपको कैश डिस्काउंट हो गया, ये मशीन की कॉस्ट निकाल रहा है। सर ये चीज एक दफा वापस समझा दे, क्यों सो गए थे तुम,
सुनो दोबारा से बेटा, बात हो रही है ओवरऑल, पूरी बात सुन लो, गैप अगर आ गया तुम्हारे दिमाग से तो सुन लो। हमारा आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब है किसी भी नॉन करंट एसेट्स की जो वैल्यू हर साल डिक्रीज हो जाती है, उस डिक्रीजिंग वैल्यू को डेप्रिसिएशन कहते हैं, जो कि एक्सपेंस होता है, जिसको हमें इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए जितने भी हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं, लैंड के अलावा, लैंड डेप्रिसिएट नहीं होती, डिप्लीशन होती है, तो लैंड के अलावा जितने भी हमारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं, उनकी हर साल उनकी कीमत में कमी आ जाती है। वो कमी आने के दो तीन रीज़न होते हैं, या तो वो वियर एंड टीयर उसका एक रीज़न है कि वो कट जाती है, ख़राब हो जाती है, या फिर वो इकोनॉमिकली तौर पर जो है वो उसका डेटोरेशन हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने मोबाइल आज ख़रीदा है और उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो आपके मोबाइल बेशक बहुत अच्छे चल रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मार्केट में डाउन हो जाएगी, जबकि फिजिकली तौर पे उसको कुछ नहीं हुआ। तो उसके कॉजेज़ होते हैं, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मैं अभी बात कर रहा था कि जो भी हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं, जो कि वैल्यू उनकी डाउन हो जाती है, उनको इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर मुख्तलिफ मैथड्स अप्लाई होते हैं। वो मैथड अप्लाई करने के लिए हमें उनकी एक्चुअल कॉस्ट चाहिए होती है। तो हमेशा हर सवाल में ज़्यादातर वो उस एसेट की कॉस्ट निकाल कर देता है और हमें डेप्रिसिएशन मुख्तलिफ फार्मूलों के ज़रिए निकालना पड़ता है। लेकिन बास क्वेश्चन में ऐसा भी आया है और नहीं भी आया, तो आपके सिलेबस का ये पार्ट है कि वो आपसे पूछता है कि बताएं, अगर हम मशीन खरीदने किसी बाहर किसी और मुल्क से खरीदी हो, हमने शहर से खरीदी हो, और वहाँ पर मशीन की लिस्ट प्राइस इतनी थी और हमें बारगेनिंग के बाद हमें शिपिंग चार्जेस वगैरह भी हमने पे किए हो, तो उसके बाद मशीन की कॉस्ट हमें जो पड़ी हो, उसके बाद आप डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। तो ये एक सिलेबस का एक पार्ट है, क्या पता वो एमसीक्यूज में आ जाए, कहीं आ जाए, तो अगर हमें पता ही नहीं होगा और मैंने आपको बताया नहीं होगा, तो आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे यार कि अमाउंट कौन सा लिखें हम। पूरा सवाल आपको बेशक आता हो, लेकिन आपकी मशीन की कॉस्ट कैलकुलेट करना ना है, तो क्योंकि हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं और साइंसेस के स्टूडेंट भी मौजूद हैं, तो इसलिए मैंने बताया कि अगर किसी भी मशीन या फर्नीचर की कॉस्ट हमें कैलकुलेट करके ना दी हो और हमें कैलकुलेट करनी हो, तो उसका तरीका क्या होता है कि हमें वो मशीन की कॉस्ट के साथ एक लिस्ट प्राइस देगा। हम लिस्ट प्राइस लिख लेंगे, वो कहेगा कि इस लिस्ट प्राइस के अंदर 10% ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है एक ऐसा डिस्काउंट जिसके अंदर आपको कोई बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड वैल्यू होती है। तो उस ट्रेड डिस्काउंट की जो 10,000 जैसे ही आया, इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, रिकॉर्डिंग 90,000 से शुरू होती है। तो अब आपने मशीन खरीदी 100,000 की, उस पर 10% तो वैसे ही टैग लगा हुआ था माइनस करने का, तो आपको मशीन असल में पड़ी 90,000 की। फिर उसने कहा कि इफ पेमेंट इज मेड विद इन 10 डेज और इमीडिएटली पेमेंट यू विल गेट 10% कैश डिस्काउंट, कि अगर आप अर्ली पेमेंट कर लेंगे तो आपको मजीद डिस्काउंट दिया जाएगा, उस अमाउंट को कैश डिस्काउंट कहा जाता है। तो वो कैश डिस्काउंट से मशीन की कीमत और आपकी कम हो गई। तो एक्चुअली इस लेक्चर के अंदर हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर मशीन की कॉस्ट निकाल कर ना दी हो, तो हम उसको डेप्रिसिएशन उसके ऊपर अप्लाई जब तक नहीं कर सकते जब तक हम उसकी एक्चुअल कॉस्ट मालूम ना कर लें। सही है अहमद मुनीर, समझ में आया बात? हाँ बेटा बोलो तो सही कुछ। ओके, मार्कर का कलर चेंज कर दूं, ये लो भाई। और बोलो, तो 10% कैश डिस्काउंट जो हम माइनस करेंगे, तो 90,000 का 10% आएगा 9,000। तो जब 9,000 हम माइनस करेंगे, तो इसका मतलब है कि हमने जो पेमेंट की वो 81,000 की, या हमने पेमेंट की चेक में या किसी में पेमेंट की, पेमेंट टू सप्लायर जिससे हमने मशीन खरीदी। अब ये सुनने वाली बात है, इसके लिए मैंने बात है। अब जब आपने उस 81,000 की आपको उस दुकानदार ने दे दी, उसके बाद आपने उस पर जो है वो उसको अपनी जहां पर उसको इस्तेमाल करना है वहां तक लाने तक के मजीद उसने अगर एक्सपेंसेस दे दिए, तो वो कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो एक्सपेंडिचर्स के बारे में सुनो, दो टाइप के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि नॉन करंट एसेट्स को खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है और वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है, जैसा कि अभी हम करेंगे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो डेली बेसिस पर एक्सपेंसेस करते हैं, जस्ट लाइक रिपेयरिंग करा दी हमने, कोई मेंटेनेंस कर दी, कोई इलेक्ट्रिक का बिल दे दिया,
ये सारे एक्सपेंसेस हमारे कौन से होते हैं, रिपेयर एक्सपेंस वगैरह, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हम इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो जो हम फर्नीचर खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, ये सारे जो हैं ये बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, इनको हम एसेट्स के तौर पर ट्रीट करते हैं और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो जैसे अभी हम मशीन ये खरीद कर ला रहे हैं तो इसको लाने के लिए हमने शिपिंग चार्जेस पे किए, एडिशनल एक्सपेंस है, मशीन आती नहीं उसके बगैर, हमने कोई इसका टैक्स पे किया, मशीन का सेल्स टैक्स पे किया, तो वो सेल टैक्स तो आपको पे करना पड़ेगा। वंस अ टाइम जो मशीन लाने के लिए खर्चा होगा उसके ऊपर, वो हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर दो तीन लिख देता हूँ, एड एडिशनल चार्जेस, जिसको ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एक मैं लिख रहा हूं ये बहुत आता है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का मतलब होता है वंस अ टाइम इंश्योरेंस, आपने मशीन जहां से भी आपने खरीदी है वहां से लेकर जहां इस्तेमाल करना है वहां तक जैसे ही मशीन पहुंचेगी इंश्योरेंस क्लेम खत्म हो जाएगा। कोई सेंसिटिव मशीन है तो आप इंश्योरेंस करा लेते हैं एहतियातन, तो वो एक दफा की इंश्योरेंस होती है। लेकिन अगर वो कहता है 3 ईयर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले ली, तो वो क्योंकि वो तो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्योंकि हर साल आपने वो पे करना है जो एक दफा मशीन लाने के लिए एक्सपेंसेस पे करने हो और मशीन लाने के लिए जरूरी हो, वो हमारे कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सपोज दैट ये 9,000 का है इंश्योरेंस ट्रांजिट। फिर उसके बाद वो कहता है इंस्टॉलेशन एंड फाउंडेशन। अब इंस्टॉलेशन एंड फाउंडेशन एक्सपेंस कोई आपने दिए फर्ज करें 4,000 का, 4,000 का, इसी तरीके से इंश्योरेंस इन ट्रांजिट के बाद आपने किया इंस्टॉलेशन के अलावा आपने किया शिपिंग चार्जेस, शिपिंग चार्जेस आपने 5,000 के पे कर दिए, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। तो आप और भी हो सकते हैं, जैसे शिपिंग चार्जेस के अलावा अगर आपने लेबर की, लेबर को आपने दिए, लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस दिए, लेबर चार्जेस आपने दिए, तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके एडिशनल चार्जेस हैं जो मशीन की कॉस्ट में डायरेक्ट लग जाएंगे। जैसे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर हमने एक फ्लोर और बनाया, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, तो एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग हमारे बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगी, यानी कि हम बिल्डिंग को इंक्रीज करेंगे, बिल्डिंग के अकाउंट को इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर हमने बिल्डिंग की रिपेयरिंग कराई है तो बिल्डिंग की रिपेयरिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। इसी तरीके से ये सुन लें, जरा ये कंफ्यूज होते हैं, मशीन लाने के दौरान कोई डैमेज हो जाए, लाने के दौरान नई मशीन आप ला रहे हैं और डैमेज हो गई वो, या उसकी रिपेयरिंग आ गई उसके अंदर कोई नई, अभी उसने काम करना शुरू नहीं किया, वो भी आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अक्सर लोग समझते हैं कि नहीं यार वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, अभी तो लाने के दौरान खर्चा हुआ है, ये अनएक्सपेक्टेड है, ये रूटीन का खर्चा नहीं है, और मशीन की कॉस्ट उसको के ताल्लुक नहीं है, वो नॉर्मल लॉस है आपका, वो लॉस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा। यानी कि ड्यूरिंग ट्रांजिट मशीन वॉज डैमेज और रिपेयर कॉस्ट विल बी सो एंड सो, तो वो कहलाएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये आपके हो गए सपोज दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इससे मशीन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कितने हो गए ये 20,000। तो ये टोटल जो है वो 20,000 के एक्सपेंसेस और हो गए, तो ये हो गया कितना 101,000, ये आपकी मशीन की कॉस्ट आ गई। अब जो भी आप डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करेंगे वो इस पर करेंगे, तो थोड़ा सा ये पता होना चाहिए ना आप लोगों को, क्या पता एमसीक्यूज में ही आ जाए कि पता ही नहीं है कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे ऐड करते हैं, कैसे ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कैश डिस्काउंट का, स्पेशली साइंस के स्टूडेंट्स को। तो थ्योरी, मैं पूरी थ्योरी आपकी इसको समझाऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन बेस्ड बात कर लें। अब आ जाते हैं हम वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है, डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन। अब मैं बिल्कुल अलग एग्जांपल बना रहा हूं, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए आपको उसने कहा कि सपोज दैट एक मशीन है उसकी कॉस्ट जो है वो 150,000 है और उसकी जो है सल्वेज वैल्यू,
स्क्रैप वैल्यू, रीसेल वैल्यू, रेसिड्यूअल वैल्यू, सब एक ही मतलब है, वो है 10,000. सॉल्वेज वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू ऑफ आफ्टर सर्विस लाइफ, यानी कि हमारा अंदाजा है. अच्छा यहाँ भी लिख देता हूँ, सवाल में ये भी दिया हुआ है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 ईयर. इसका मतलब हमारा अंदाजा है कि 10 साल के बाद जब हम इसको स्क्रैप में बेचेंगे तो उसकी स्क्रैप में बेचने के बाद जो इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो सिर्फ 10,000 मिलेगी हमें. 150,000 की चीज़ हमकी रिकवरी हमें 10,000 की हो जाएगी 10 साल बाद. ये हमारी दोनों एस्टिमेशन होती हैं. और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो दो होती हैं, किसी भी सवाल में अलग से लिख रहा हूँ उसको, ये दुनिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेट ऑफ परचेज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिस पर आपको फोकस करना है. पहले मैं डेट ऑफ परचेज लिख दूं, डेट ऑफ परचेज में क्या लिखूं? अब्दुल्ला भाई आपकी बर्थडे, अब्दुल्ला भाई बर्थडे कब होती है? 18 नवंबर, 15 अगस्त, 16 अगस्त. तो डेट ऑफ 1 अगस्त का शुरू कर देते हैं. 1 अगस्त के महीने में 1 अगस्त 2018 को हमने एक मशीन खरीदी. ठीक है भाई? हाँ मोहम्मद हमजा बोलो, क्या कह रहे हो मोहम्मद हमजा? हाथ ऊपर करके नीचे तो कर लो, बात तो करो, क्या कह रहे हो मोहम्मद हमजा? आप कुछ कह रहे थे, किसी को कुछ सवाल करना है? अभी तो मैं क्वेश्चन कर बना रहा हूं. आवाज आ रही है क्लियर? कॉस्ट है 150,000, स्क्रैप वैल्यू है 10,000, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10 ईयर, डेट ऑफ परचेज है 1 अगस्त 2018, और क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर ईच ईयर. साल आपका खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, हर साल आप 31 दिसंबर को क्लोजिंग करते हैं. ये अप्रैल भी हो सकता है, ये मई भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि पहला सवाल है मैं आसान करके समझा रहा हूँ. अब आपसे वो ये कहता है, सुनना जरा गौर से, ऑन जुलाई 31st 2020 मशीन वाज सोल्ड $35,000 बाय चेक. आपकी मशीन का अंदाजा तो 10 साल चलाना था, लेकिन 10 साल के बजाय वो आपने उसकी परफॉर्मेंस खराब देखी होगी या कोई और मसला था, तो आपने उसको अनएक्सपेक्टेडली आपको उसको जुलाई 31st 2020 में बेचना पड़ गया. अब क्या करेंगे? अब पहली बात, ये पूरा क्वेश्चन बन गया, इस क्वेश्चन से आपका पूरा माइंड सेट हो जाएगा डेप्रिसिएशन के चैप्टर पे. तो इसलिए क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ लें आप. तो पहला काम क्या है, आप वो आपसे रिक्वायरमेंट में क्या मांगेगा? वो आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा, वो कहेगा रिक्वायरमेंट ए मशीन अकाउंट, रिक्वायरमेंट बी provision for depreciation account, requirement C disposal account. मैं अपने पास ये ज़्यादातर तीन चीज़ डालेगा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ ताकि वो भी आए, क्या पता C की जगह D और D की जगह C, दोनों में से कोई एक चीज़ पूछता है वो. Disposal journal entries, फिर वो ये कह सकता है journal entries फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन. तो ये सब हमें आना चाहिए, हमारे सिलेबस का पार्ट. बस तो अब हम क्या करना है, सबसे पहले आपने कहीं दिमाग नहीं लेके जाना है, आपने दो तीन चीजें देखनी है. नंबर वन कि मेथड कौन सा है. अब देखिए मैंने यहाँ पर कोई भी मेथड नहीं लिखा जानबूझकर, मेथड का कोई नाम नहीं है, जबकि मैंने कहा था कि आपके सिलेबस में तीन मेथड हैं.
तो जब सिलेबस में आपके सवाल में किसी मेथड का नाम ना हो लेकिन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन ईयर गिवन हो, तो आप समझ जाएं कि जब लाइफ इन ईयर गिवन होगी तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड होगा। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। दूसरी बात, स्ट्रेट लाइन मेथड के दो फॉर्मूले हैं, वो भी मैं लिख देता हूं, जरा सुन लें। आज मैं पूरा सवाल कंप्लीट नहीं कर सकता, ये सिर्फ बेस बता रहा हूँ। सवाल आपके लिखा होना चाहिए, अगली क्लास में पूरा सवाल कंप्लीट करेंगे फिर इंशाल्लाह तरह बुक पे आ जाएंगे। इससे पूरा एक और बल्कि डेफिनेशन का भी अपने पास से बना के दिखाऊंगा ताकि पूरा एक सेटिंग आपके ध्यान में बढ़ जाए, फिर मैं पास पेपर पे ले आऊंगा आपको। स्ट्रेट लाइन मेथड के दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला सुनिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि नए साइंस के स्टूडेंट को बताओ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर। एक तो फॉर्मूला ये है, जब लाइफ इन ईयर जो है वो आपको दे दी जाएगी तो ये फॉर्मूला लगेगा, जब लाइफ इन ईयर होगी तो आपको ये फॉर्मूला लगेगा। रुकना एक मिनट, हाँ जी, कहानी ये है कि जब लाइफ इन ईयर होगी तो इस फॉर्मूला होगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन ईयर। दूसरा फॉर्मूला जो है वो ये होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आपको पूरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको साइंस के स्टूडेंट को ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो एक्सपेंसिस के तौर पर चार्ज होगा। तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। ये रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। जब रेट गिवन हो और स्ट्रेट लाइन मेथड पूछे तो लाइफ इन ईयर गिवन नहीं होगी, तो आप रेट अप्लाई करेंगे। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो डेप्रिसिएशन। सर ये कॉस्ट को किससे माइनस किया है? ये कॉस्ट के आगे क्या लिखा है? कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, रीसेल वैल्यू, जो मैंने क्वेश्चन में दिया है, ये रहा। नजर आ गया? जी जी। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आ गई समझ में? जी सर। शुक्र है। चलें, अब जरा अभी मैं बात कर रहा था कि आपने स्ट्रेट लाइन मेथड में कोई मेथड का नाम ना भी हो और लाइफ इन ईयर हो। अच्छा, इस सॉल्वेज वैल्यू के बारे में भी सुन लें। सॉल्वेज वैल्यू जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में गिवन हो स्ट्रेट लाइन मेथड में, अगर गिवन नहीं है तो उसको जीरो मानेंगे, यानी कि कॉस्ट माइनस जीरो डिवाइडेड बाय लाइफ। तो सॉल्वेज वैल्यू किसी सवाल में गिवन होगी और किसी में नहीं होगी। इस सवाल में मैंने जानबूझ के डाल दी। तो अब जरा इस सवाल का सबसे पहला काम जो करना है, जरा गौर सुनना भाई, ये नुस्खा है, फौरन सुनना। कोई भी डेप्रिसिएशन का सवाल हो, कोई भी, जो मेन चीज आपने चेक करनी है वो दो है, डेट ऑफ परचेज नंबर वन और डेट ऑफ डिस्पोजल नंबर टू। किसी भी मेथड से पूछा हो, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते जब तक आप ये एनालाइज ना कर लो कि मशीन या फर्नीचर जो भी है वो किस डेट को खरीदा गया और उसकी डिस्पोजल डेट क्या है, यानी कि डेट ऑफ परचेजेस अप टू डेट ऑफ डिस्पोजल। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, अगर बताएं 2018 में आपने मशीन खरीदी है और क्लोजिंग डेट दिसंबर है, तो 2018 में मशीन कितने महीने चली? महीने के हिसाब से निकालना पड़ेगा आपको, अगर कोई भी सवाल में। एक और बात मैं अगली क्लास में बताऊंगा, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो 2018 में अगस्त में मशीन खरीदी, तो अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो
ये चली 5 मंथ 2018 में मशीन चली 5 मंथ, 2019 में कंप्लीट 1 ईयर चली यानी कि 12 मंथ, 2020 में मशीन जो है वो आपने डिस्पोज ऑफ कर दी। तो 2020 में जो आपने मशीन डिस्पोज ऑफ की वो की आपने कब, July 31st को। तो 2020 जो शुरू हुआ वो जनवरी से शुरू हुआ और जुलाई में आपने फैसला किया कि यार मशीन को बेच देना चाहिए। तो 2020 में आपने जनवरी से जुलाई तक 7 मंथ मशीन को यूज किया और उसको बेच दिया। ओवरऑल आपकी मशीन अगर चली तो तीसरे साल में जाकर ही उसकी परफॉर्मेंस खराब थी और आपको उसको जो है वो डिस्पोज ऑफ करना पड़ गया। ये समझ में आती है बात? जैसे हमारे यहाँ डेप्यूटी हेड बॉय जो है वो इर्तिदा है ना। अब हमें अंदाजा है कि ये 12 महीने 10 महीने तो चलेगा, लेकिन अगर इसकी परफॉर्मेंस खराब हुई तो इसको मार्केट में डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा 3 महीने में 4 महीने में। तो उसकी कैलकुलेशन अगर आपको ये चैप्टर आता होगा तो आप उसकी कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं कि मुर्तजा को बेचकर लॉस हुआ या गेन हुआ। ओ इर्तिदा को, सॉरी मुर्तजा तो अच्छा बच्चा है इसका बड़ा भाई। तो इस तरह है, समझ में तो आ गई होगी। अब हमें डेप्रिसिएशन जब निकालना है तो डेप्रिसिएशन निकालने की पहला काम क्या है कि इस ड्यूरेशन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें जिस मेथड से क्वेश्चन में गिवन है। बाद में वो कोई भी कुछ भी पूछे वो डिस्पोज कैसे हुआ, आपको प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। तो प्रोसीजर ये है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मशीन खरीदने से लेकर डिस्पोजल डेट तक हर साल कितने महीने चली, और यानी कि पहले तो परचेजिंग ईयर में कितने महीने चली और डिस्पोजल ईयर में कितने महीने चली, बाकी बीच में तो पूरे पूरे महीने चली होगी 12-12 महीने। तो अब डेप्रिसिएशन अमाउंट अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट किया जाए तो कितना आएगा, चलें निकालते हैं 2018 का डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट हमारे पास मशीन की कितनी है, मैंने कितनी लिखवाई थी, देखें सवाल में जाएं, सवाल में लिखवाई थी 150,000। तो क्वेश्चन में हम लिख लेंगे कॉस्ट 150,000 माइनस 10,000, क्योंकि रेट गिवन नहीं है, लाइफ इन ईयर है, तो लाइफ इन ईयर है 10, तो ये एक साल का डेप्रिसिएशन निकल आएगा। 150,000 माइनस 10,000 आ जाएगा 140,000, 140,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 14,000 आपका ईयरली डेप्रिसिएशन आ जाएगा। बट क्योंकि 2018 में मशीन हमने खरीदी ही अगस्त में थी और दिसंबर में क्लोजिंग हो रहा है, तो 2018 में मशीन कितने महीने चली, 5 मंथ, तो 5 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ, तो 14,000 को हम 5 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, बताइए क्या, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12 क्या आ रहा है भाई, जल्दी बताओ यूसुफ। सर थोड़ा जूम आउट कर दें, जूम आउट या ऊपर का दिखा दें, जूम आउट करूंगा तो नहीं नजर आएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, ये देख लो। पहले तो तुम मुझे बताओ ना कितना अमाउंट आ रहा है, 5833 हां 5833 5833 अब्दुल्ला मकसूद अच्छा बच्चा है यार, 5833 ये लो बेटा, पहले लाइबा तुम सवाल देख लो, शायद तुम कंफ्यूज ना हो जाओ सवाल की वजह से, एक क्वेश्चन देख लो, मैं पहले इसको जी सर ठीक है, अब दोबारा नीचे कर दें। तो हम बात कर रहे थे डेप्रिसिएशन अमाउंट की, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट हमने निकाला 2018 में पूरे साल का अमाउंट था 14,000, क्योंकि मशीन हमारी 5 महीने चली तो 5 महीने का डेप्रिसिएशन हो गया 5833। अब 2018 के बाद का जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे निकलेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड का फायदा ये है कि जो हम फर्स्ट ईयर का एनुअल डेप्रिसिएशन निकालते हैं कॉन्स्टेंटली हर साल डेप्रिसिएशन वही रहता है, इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, कहीं नोट डाउन कर लेना। तो अब 2019 में जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 2019 में क्योंकि पूरे 12 महीने मशीन चली है तो उसका डेप्रिसिएशन हमें बाकायदा फॉर्मूला शो करने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि वो 14,000 की डेप्रिसिएट हुई है क्योंकि वो पूरे साल जब भी चलेगी कॉन्स्टेंटली हर साल 14 डेप्रिसिएशन चार्ज होता रहेगा। अब आ जाए 2020 में,
2020 में क्योंकि आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो अब आपका मशीन का पूरे साल का डेप्रिसिएशन आप पहले ही निकाल चुके हैं, 14,000 है, लेकिन क्योंकि मशीन जनवरी से जुलाई तक चली और जुलाई में बेचना पड़ गया, तो 2020 में क्योंकि 7 मंथ चली, तो 7/12 करेंगे। बताओ भाई 7/12, अब्दुल्ला 8167। तो ये आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 2018 से लेकर 2020 तक। तो आप जरा इसका टोटल भी बता दो, तीनों का टोटल बताओ। 5833, 14,000, 8167, 28,000। 28,000 यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन के मुकाबले में मशीन बेचारी जरा सी चली और खराब हो गई और उसको फिर हमें बेचना पड़ गया, तो हमने 28,000 का उसको यूज कर लिया था, हमने डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल कर लिया था उसको मशीन को 28,000। यहाँ तक तो अब हमें उसने कहा कि रिक्वायरमेंट वाइज मैं समझाता हूँ, पहले ये रिक्वायरमेंट समझ लो इसकी, ताकि जो जरा आसान सी चीज़ें समझ में आ जाए, अलग अलग बीच में से करा रहा हूँ। अगर वो आपसे कहता है कि जर्नल एंट्रीज फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज इन ईच ईयर, ये नोट डाउन करना आता, आप जर्नल एंट्रीज कराएं, जो जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसकी जर्नल एंट्रीज कीजिए आप। तो जर्नल एंट्रीज डेप्रिसिएशन आपने निकाला 2018 का, क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर की जर्नल एंट्री क्या होगी ये आपको पता होना चाहिए। कोई बताएगा कॉमर्स का स्टूडेंट डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है जो हम अमाउंट करेंगे 2018 का? पूरी एंट्री बताओ, डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, कौन बताएगा? सही, आप करा दें इसके अंदर, हमें भी मसला होता है। हैं? ये आप करा दें इसमें, मुझे भी मसला होता है। बाकी क्या हम नहीं कराते, कोई और कराता है? नहीं नहीं, मतलब पूछ रहे हैं। तुमने पूछा ही नहीं। देखो बेटा गौर से सुनना, कॉमन एंट्री है, हमेशा यही एंट्री रहेगी, जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री आएगी उसमें आप लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट डेबिट 2018 का अमाउंट कितना था, 5833, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 5833। कॉन्सेप्ट अगर एंट्रीज का अच्छा है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, ये अकाउंट वगैरह बना सकते हैं। 2019 December 31st यही एंट्री दोबारा बनेगी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट लाइबा। तुमने ये मैसेज पहले किया था, अभी कर रही हो, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या ये समझ में नहीं आ रहा लेक्चर? कहाँ से समझ में आ रहा, वहां से मैं भी रिपीट करा सकता हूँ बेटा, अभी तो है टाइम हमारे पास, ये तो बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ मैं साइंस वालों के लिए, दोबारा पूछ लो। 2019 में दोबारा सुनो, सबसे पहले ये बात समझ में आ गई कि मेथड का नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के दो फॉर्मूले होते हैं, एक में लाइफ ईयर गिवन होता है, एक में रेट गिवन होता है। जिस सवाल में लाइफ इन ईयर गिवन होता है उसका फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर। जिसमें रेट गिवन होता है उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू रेट जो गिवन होता है। अब हमें इस सवाल के अंदर देखा कि मशीन हमारी जो है, दोबारा सवाल पे जाते हैं, मशीन हमने खरीदी थी 150,000 की और उसकी जो स्क्रैप वैल्यू थी, सॉल्वेज वैल्यू थी, वो 10,000 थी, कि हमने अंदाजा लगाया था कि ये 10 साल चलेगी,
और 10 साल के बाद इसकी एक्सपेक्टेशन है कि कबाड़िया जो है इसका स्क्रैप वैल्यू में शेरशाह जब जाएंगे तो उसके 10,000 रुपये देगा। हाँ, जैसे मैं आप लोगों से बोलूँ कि अभी इर्तिजा के बारे में बताओ स्क्रैप वैल्यू क्या होगी इर्तिजा की, तो अंदाज़ा आप सब बताएंगे कि भाई इसका इर्तिजा की तो कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, या कुछ मिल जाएगी तो इतनी मिलेगी वगैरह वगैरह। तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि इसकी लाइफ गुजरने के बाद, इसको निचोड़ने के बाद इसके पैसे कितने मिलेंगे, तो एस्टिमेटेड लाइफ ईयर हो गया। अब इस सवाल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी, किसी भी मेथड के अंदर चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड हो या कोई भी, डेप्रिसिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेट ऑफ परचेज, कि आपने किस डेट को खरीदा। दूसरी चीज़ होती है डेट ऑफ क्लोजिंग, कि आपका ईयर जो है वो ख़त्म कब हो रहा है। इसके बाद तीसरी चीज़ होती है कि आपकी मशीन आपकी एक्सपेक्टेशन से पहले अगर उसमें कोई गड़बड़ हो गई, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही, तो आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि यार आप इसके बदले में एक्सचेंज कर लें, एक मशीन देकर दूसरी मशीन ले लें, या आप इसको सेल कर दें। दोनों सूरतों को हम डिस्पोजल कहते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने सवाल में डाला कि 31 जुलाई 2020 को मशीन को आपने सोल्ड कर दिया जस्ट 35,000 में बाई चेक, स्ट्रेट लाइन मेथड वहाँ पर यूज़ हो रहा था। तो अब हमें ये सबसे पहले ये देखना है कि 2018 में जो आपकी मशीन यूज़ हुई वो डेट ऑफ परचेज क्या है, 1st August। अब क्लोजिंग डेट क्या है, 31st December। अगस्त टू दिसंबर हमने महीने काउंट किए पहले, कि 2018 में मशीन जो है वो 5 मंथ चली, फिर 2019 में कंप्लीट पूरे 12 महीने चली। जब 2020 शुरू हुआ तो जनवरी से लेकर जुलाई तक मशीन चलती रही। जुलाई में आपने फैसला किया कि इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्योंकि आप 2020 में 7 मंथ उसको इस्तेमाल कर चुके थे, इसलिए उस पर भी 7 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा। अब आपने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, वो डेप्रिसिएशन चार्ज क्या किया? हाँ बेटा बोलो। क्लोजिंग डेट क्या होती है? क्लोजिंग डेट का मतलब होता है कि साल कब खत्म हो रहा है। जैसे हमारा एक होता है कैलेंडर ईयर, हमारा साल कब शुरू होता है, जनवरी में कैलेंडर ईयर के मुताबिक, और ख़त्म कब होता है, दिसंबर में। लेकिन बास कंपनीज अपना अपना क्लोजिंग ईयर और ओपनिंग ईयर बना लेती हैं। जैसे तुमने अक्सर तुमने नहीं देखा सोल ट्रेडर वगैरह में पार्टनरशिप में कि इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th April या 30th September या 31st August, तो वो क्लोजिंग डेट कहलाती है जिस साइड को आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी कि वो क्लोजिंग डेट कहलाती है। यानी कि आप अपने अकाउंट क्लोज करते हैं उसी ईयर को आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, उसी ईयर को आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह बनाते हैं। तो जाहिर बात है, तो क्लोजिंग ईयर अगर इस सवाल में दिसंबर 31 है हर साल का, तो आपने मशीन 2018 में खरीदी है, तो 18 में आपने खरीदी है अगस्त में, तो आपका क्लोज हो गया साल दिसंबर में, तो मशीन 2018 में तो चली ही 5 महीने, तो वो 12 महीने का डेप्रिसिएशन जो 14,000 आया है वो 12 महीने पे तो अप्लाई नहीं होगा, 5 महीने पे अप्लाई होगा। ये कहना चाह रहा था मैं, पॉइंट समझ में आ गया? लाइबा आवाज नहीं आ रही, जल्दी से जवाब दो सर, 14,000 कहाँ से आया? हैं? 14,000 कहाँ से आया? 14,000 कहाँ से आया? 2018 में आपने जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया एक साल का, तो उसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट 150,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर। तो आपने 150,000 में से 10,000 माइनस किया, आया 140,000, 140,000 को 10 से डिवाइड किया तो आया 14,000, और 14,000 से 12 महीने का डेप्रिसिएशन आ गया 14,000। तो अब उसके बाद हमें क्योंकि 5 महीने का चाहिए, तो हम 5/12 कर लेंगे, तो 5 महीने वो का भी ठीक है। अब 2019 शुरू हुआ, तो 2019 में क्योंकि पूरे 12 महीने मशीन इस्तेमाल की, तो स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है कि जब भी आप 12 महीने मशीन इस्तेमाल करेंगे तो जो पूरे साल का डेप्रिसिएशन है वो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, वही आएगा। तो 14,000 लिख दिया हमने। फिर 2020 में शुरू हुआ जनवरी में साल, जुलाई में खत्म हो, जुलाई में मशीन को बेचना पड़ गया, तो क्योंकि 7 महीने चला तो 14,000 पूरा नहीं लिख सकते थे हम, 7 महीने का लिखेंगे 7/12। इस तरह 2019 का डेप्रिसिएशन 14,000 क्यों आया, वो नहीं समझ आया। 2019 में मशीन पूरे 12 महीने चली, सही समझ में आ गया। तो पहले निकाला था वही लिख देंगे, वही लिख देंगे। आगे चले हम? यस सर। बहुत शुक्रिया, मतलब मैं समझ रहा था कि आज सर एंट्री समझा दें। अबे और समझा तो रहा हूँ, रुक जा ना। 2000 रिकॉर्डिंग हो रही है, अच्छा सॉरी, 2018 दिसंबर 31st। अब आपने पहली एंट्री क्या होगी, 5833 से आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, ठीक है अब्दुल्ला, सुन रहे हो बेटा? अब्दुल्ला मकसूद
अब पहली एंट्री जी, जी. अगर वो रिक्वायरमेंट में आपसे कहता है कि जर्नल एंट्रीज फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन की आप जर्नल एंट्रीज कीजिए, तो एक साल के अंदर जो साल की क्लोजिंग डेट होती है वो डालेंगे आप, और उसके अंदर आपकी एक फिक्स एंट्री है इनकम स्टेटमेंट डेबिट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और जो 2018 में जो डेप्रिसिएशन आपने निकाला है वो लिख देंगे। इसी तरह 2019 में यही आप एंट्री करेंगे, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये कितना था 14,000। और 2020 में क्योंकि दिसंबर आया ही नहीं, जुलाई 31st को ही आपको सोल्ड करना पड़ा, तो यहां पर आप लिखेंगे जुलाई 31st इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अमाउंट कितना था 8167। ये हमने आपको क्या सिखा दिया कि जब डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाते हैं तो क्या एंट्रीज होती हैं। तो पहले आज एंट्रीज को समझ लें आप, यहाँ तक समझ में आई बात? जी जी साहब, आपको समझ में आई? जी सर, एंट्रीज आ गए। बाकी पूरा आ गया, प्रोसीजर समझ में आ गया जो मैं कह रहा हूँ? अभी तो मैं बिल्कुल सिंपल सवाल करा रहा हूँ, बिल्कुल ये ओ लेवल के अंदर भी नहीं कराता मैं, बल्कि मैं 9th क्लास में कराता हूँ, ये मैं 9th-10th में, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है बेटा? और ये मैं सारा ध्यान रख के एक लेक्चर देता हूँ जो हमारे साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं। तो भाई साइंसेज के स्टूडेंट बिल्कुल आप खुलकर सवाल कर सकते हैं, कोई भी सवाल करना हो, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ। सही बात है, पहले दिन मैं कैलकुलेशन बड़ी आसान वाली करा रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं, और आगे भी यही कॉन्सेप्ट रहेगा, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन मुझे साथ साथ बताते जाएं। खामोश बैठेंगे तो फिर वो खामोशी जो है ना वो कब्रिस्तान पहुंचाती है, इसलिए खामोश नहीं बैठिएगा, बताइएगा मुझे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है भाई? अच्छा बस जाए, ठीक है। रिक्वायरमेंट वन का, अब मैंने रिक्वायरमेंट वन का सोल्यूशन अभी मैंने नहीं किया, सिर्फ ये सोल्यूशन किया है मैंने, डेप्रिसिएशन चार्ज किया है बेटा हिबा, और अभी मैंने जो है वो इनकम स्टेटमेंट और डेप्रिसिएशन। अच्छा अब मैं एंट्रीज के ऊपर अभी ध्यान ज्यादा दे रहा हूँ ना, दो रिक्वायरमेंट करा रहा हूँ आज के दिन, बस ये दो रिक्वायरमेंट होंगी, बल्कि क्लास का टाइम तो ओवर हो गया है ऑलमोस्ट, तो नहीं ये तो अभी जो टॉपिक मैं कराऊंगा मुश्किल है, बस यहाँ तक क्लास अभी करते हैं खत्म, क्योंकि अगर मैं आगे कराऊंगा तो 15 मिनट निकल जाएगा मेरी अगली क्लास भी। तो ये डेप्रिसिएशन में यहाँ तक आप नोट डाउन कर लें, ये क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगा मैं कल, इसलिए बराए मेहरबानी जो लोग ये क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर सकते हैं, बच्चे अच्छे बच्चे हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे क्वेश्चन सॉल्व करके, तो ज़्यादा खुशी होगी मुझे, और जो नहीं कर सकते वो कल का इंतजार करें, कल मैं इसके जितने पार्ट्स हैं वो कल कराऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? आपने यहाँ तक नोट डाउन करना है ये, जी मैंने एक जगह कर दिया इसको। डिस्पोजल की भी जनरल एंट्री करवाएंगे ना? हाँ बेटा एक एक चीज कराऊंगा अब्दुल्ला मकसूद, एक एक चीज कराऊंगा, टेंशन जी नहीं बस उसकी जनरल एंट्रीज का बता दीजिएगा, डिस्पोजल के अकाउंट की, डिस्पोजल का अकाउंट भी बनाना आता है, कराऊंगा मशीन कॉस्ट खरीदने की भी एंट्रीज करा दूंगा जो कभी कभार आती है, पहले मैं सारी बेस करा रहा हूँ इसीलिए, फिर मैं पास पेपर पे जब लिख कराऊंगा, जब ये सारी चीजें मैं करा दूंगा आपको अपने पास से, ठीक है भाई? मुझे ज्यादा दीजिए फिर, आज की अटेंडेंस ये है अपने इसमें, यूसुफ जरा अटेंडेंस भेज देना मेरे पास, यहाँ पर कुछ हमारे यहाँ फिल्में आ गई हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लेते जल्दी जल्दी, ले लिया होगा जी सर, मैं भेज दूंगा आपको अटेंडेंस, तो बेटा भेज देना, और ये मुझे जरूर बताना है कि अगर हम इर्तिदा को स्क्रैप में बेचेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। जी सर क्या भाई? 50 रुपए। 50 रुपए, चलो सही है, 50 रुपए भी मेरे लिहाज से ज्यादा है वैसे,
चलो भाई अल्लाह हाफिज़। बहुत ज्यादा सवाल तो हुआ।